हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। योगी सरकार के मंत्री की भविष्यवाणी 2019 के लोकसभा चुनाव में तय है, बीजेपी की हार। उत्तर प्रदेश के सत्तारूढ़ बीजेपी की सहयोगी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी यानी सुभाषपा के अध्यक्ष और राज्य सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राज पर लगातार बीजेपी के खिलाफ बयान दे रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के साथ बैठक के बाद भी ओम प्रकाश राज पर बयान देना बंद नहीं कर रहे हैं। राजभर ने शनिवार को कहा कि लोकसभा के आगामी चुनाव में बीजेपी की पराजय होनी तय है। राजभर ने जिले के रसदा कस्बे में स्थित अपने आवास पर संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि केंद्र की बीजेपी सरकार ने अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट दिया। इसके अलावा उसने कई अन्य विवादास्पद कदम भी उठाए हैं। चंद्रशेखर की रिहाई से नाराज है राजभर। उन्होंने बताया कि अगर बीजेपी सरकार की ऐसी ही कार्य पद्धति रही तो इस पार्टी की आगामी लोकसभा चुनाव में हार निश्चित है। गोरखपुर, फूलपुर और कैराना लोकसभा उपचुनाव में इसका आगाज हो चुका है। बीजेपी जब एससी या एसटी एक्ट को लेकर सीमा लांघेगी और भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर को रिहा करेगी तो लंका दहन होना तय है। सपा को कमजोर करने के लिए शिवपाल को बढ़ावा दे रही बीजेपी। सपा से अलग होकर समाजवादी सेक्युलर मोर्चा गठित करने वाले पूर्व मंत्री शिवपाल सिंह यादव को पूर्व मुख्यमंत्री मायावती द्वारा खाली किया गया सरकारी बंगला आवंटित किए जाने के बारे में पूछे गए सवाल पर राजभर ने कहा कि सपा को कमजोर करने के लिए शिवपाल को वो आवास आवंटित किया गया है। योगी की नहीं सुनते हैं राजभर। राजभर ने कहा कि अधिकारी वर्ग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेशों का पालन नहीं कर रहा है। जनता की शिकायतों का भी सही तरीके से निस्तारण नहीं हो रहा है। नौकरशाह शिकायत के निस्तारण की केवल खानापूर्ति कर रहे हैं। सूबे में कानून व्यवस्था को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने पुलिस की कार्यप्रणाली पर प्रश्न खड़े किए और कहा कि पुलिस मुठभेड़ के बहुत से दावे फर्जी है। पुलिस गरीब लोगों को उसके घर या दुकान से उठाती है, उनका दो बार चालान करती है, फिर मुठभेड़ में मार डालती है। बाघिन अवनी की हत्या लोगों को बचाने के लिए की गई या जंगल मालिक अंबानी के मुनाफे के लिए? इंसानी कानून भी गजब है। जानवरों के जंगल पर इंसान लगातार कब्जा कर रहे हैं और सजा जानवरों को दी जा रही है। जानवर शब्द को इतना नकारात्मक बना दिया गया है कि इसका इस्तेमाल बुरे प्रतीक की तरह होने लगा है। न्याय मिलने की सबसे ज्यादा संभावना उसकी होती है जिसका कानून पर कब्जा होता है। अगर कानून पर सवर्णों का कब्जा होगा तो जाहिर है दलितों का ध्यान न्यूनतम रखा जाएगा। अगर जंगल का कानून भी इंसान बनाएंगे तो जाहिर है जानवरों से ज्यादा उद्योगपतियों का ध्यान रखा जाएगा। इसका ताजा उदाहरण महाराष्ट्र के यवतमाल जंगलों में देखने को मिला है। दरअसल महाराष्ट्र की बीजेपी सरकार पिछले कुछ सालों से बाघिन टीवान यानी अवनी की हत्या करना चाहती थी, क्योंकि सरकार और उनके विभाग को ऐसा लगता है कि अवनी पर आदमखोर हो चुकी थी। सरकार अपने इस मकसद में कामयाब भी हो गई। 2 नवंबर की देर रात यवतमाल जिले के जंगल में अवनी की हत्या कर दी गई। अवनी को बचाने के लिए पिछले कई महीनों से मुहिम भी चल रही थी और इस दौरान राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री तक लोगों ने गुहार लगाई थी, लेकिन कोई अपील काम नहीं आ पाई। सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक से अवनी की हत्या का आदेश मिल चुका था। हालांकि अवनी को मारने में कोर्ट के नियमों का उल्लंघन भी हुआ, क्योंकि कोर्ट की ओर से कहा गया था कि बाघिन को पहले बेहोश करने की कोशिश करना होगा। अवनी दो छोटे बच्चों की माँ थी। ये बच्चे इतने छोटे हैं कि बिना के माँ इनकी मौत लगभग निश्चित है। इस तरह हत्या सिर्फ अवनी की नहीं उसके दो छोटे बच्चों की भी की गई है। अभी मामला खत्म नहीं हुआ है क्योंकि सरकार अवनी के मेल पार्टनर टीटू की भी हत्या करना चाहती है। अगर जंगलों पर इंसान कब्जा होगा तो जानवर कहाँ जाएंगे? अवनी के मामले में एनवायरमेंट एक्टिविस्ट का कहना है कि जंगल में अवैध घास चराई, अवैध अतिक्रमण और एक प्राइवेट सीमेंट फैक्ट्री के विस्तार के चलते जानवरों का इंसानों से टकराव बढ़ गया है। कई बार ऐसा होता है जानवर खाना पानी की तलाश में रिहायशी इलाकों में आ जाते हैं। वो रिहायशी इलाके जो कुछ साल पहले तक जंगल हुआ करते थे, ऐसे में जानवरों और इंसानों का टकराव होता है। अवनी की हत्या भयावह है, साथ ही यह हत्या मौजूदा सरकार की हिपोक्रेसी को भी दर्शाता है। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री को पर्यावरण बचाने की कोशिश के लिए चैंपियन ऑफ द अर्थ मिलता है और दूसरी तरफ महाराष्ट्र की सरकार जानवरों का फेक एनकाउंटर कर रही है।
5 साल में 13 लोगों के हत्या के आरोपी बाघीन अवनी को मौत की सजा मिली, लेकिन नोटबंदी करके 100 से ज्यादा लोगों की जान लेने वाले को कोई सजा नहीं मिलती। क्यों? जो इंसान खतरनाक से खतरनाक जटिल से जटिल समस्या का हल निकाल लेता है, उसी इंसान के पास एक बाघीन को मारने के सिवा कोई विकल्प नहीं मिला। क्या अवनी को जिंदा नहीं पकड़ा जा सकता था? क्या उसे किसी दूसरे घने जंगल में नहीं भेजा जा सकता था? क्या हत्या के अवाला कोई विकल्प नहीं था? अवनी की मौत में रिलायंस का भी हाथ। जनवरी 2018 में मोदी सरकार ने अनिल अंबानी की रिलायंस ग्रुप को सीमेंट फैक्ट्री लगाने के लिए यवतमाल के जंगल को 467 हेक्टेयर दिया था। रिलायंस को जंगल देना कांग्रेस ने 2009 में शुरू किया, जिसे मोदी सरकार ने अंतिम मुहर के साथ समाप्त किया। जाहिर है रिलायंस ग्रुप ने फैक्ट्री लगाने के लिए जमकर जंगलों की कटाई की होगी, जबकि पर्यावरणविद लगातार इसका विरोध कर रहे थे। उन्होंने तभी सावधान किया था कि जंगल की कटाई से बाघों का खतरा हो सकता है, लेकिन एनवायरमेंट एक्टिविस्टों की बात न कांग्रेस ने सुनी न ही बीजेपी ने। राम मंदिर बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को ललकार रहा है मीडिया, ये एंकर पत्रकार है या कार सेवक? लोकतंत्र जिन 4 स्तंभों पर टिका है, उसे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया के नाम से जाना जाता है। एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए जरूरी है कि ये स्तंभ अपना काम पूरी जिम्मेदारी व निष्ठा से करे। लोकतंत्र की सफलता और सत्यता के लिए इन स्तंभों का मजबूत रहना जरूरी है, लेकिन भारत में एक अजीब स्थिति पैदा हो गई है। यह 4th स्तंभ लगातार 3rd स्तंभ को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। कुछ मीडिया संस्थान में सिर्फ न्यायपालिका की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर रहे हैं, बल्कि उसका अपमान भी कर रहे हैं। दक्षिणपंथी राजनीतिक पार्टी के प्रभाव वाले मीडिया संस्थान चाहते हैं कि न्यायपालिका उनके मन मुताबिक फैसला करे, लेकिन ये संभव नहीं है। ऐसे दक्षिणपंथी मीडिया संस्थानों को समझना चाहिए कि भारत की न्यायपालिका भारतीय संविधान से चलती सत्ता की दलाली से नहीं। गोदी मीडिया के नाम से कुख्यात हो चुके ऐसे संस्थान सत्ताधारी बीजेपी की गुलामी कर रहे हैं। ये बात कोबरा पोस्ट की एक स्टिंग ऑपरेशन साबित से भी हो चुका है। मामला चाहे सबरीमला मंदिर का हो या अयोध्या विवाद का, गोदी मीडिया चाहती है कि फैसला सिर्फ हिंदू मान्यताओं को ध्यान में रखकर हो, क्योंकि बीजेपी हिंदुत्व की राजनीति करती है। गोदी मीडिया बीजेपी की गुलामी में इतनी अंधी हो चुकी है कि उसे ना महिलाओं का अधिकार नजर आ रहा है, ना ही देश की धर्मनिरपेक्षता। अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने 29 अक्टूबर को सुनवाई की थी। 3 मिनट की सुनवाई में मामले को अगले 3 महीने के लिए टाल दिया गया। अब अगली सुनवाई जनवरी में होगी। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई समेत जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस के.एम. जोसेफ की पीठ ने कहा कि ये मामला अर्जेंट सुनवाई के तहत नहीं सुना जा सकता है। अब मीडिया के कार सेवक पत्रकारों को 3 महीना बर्दाश्त नहीं हो रहा है। दूसरे शब्दों में कहे तो ये भगवा पत्रकार सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा ही नहीं करना चाहते। ये चाहते हैं कि आज के आज राम मंदिर बन जाए, और यही वजह है कि गोदी मीडिया के कार सेवक पत्रकार हर रोज जुबानी राम मंदिर बना रहे हैं। 29 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या विवाद मामले की सुनवाई हुई। 29 अक्टूबर से अब तक कई देश में कई जरूरी मुद्दे उभरे, लेकिन गोदी मीडिया की सुई राम मंदिर पर ही अटकी हुई है। देखिए, 28 अक्टूबर रोहित सरदाना, अब की बार राम मंदिर तैयार। 29 अक्टूबर अमिश देवगन, तारीख पर तारीख में फंसे श्री राम। अंजना ओम कश्यप, सबरीमला, ट्रिपल तलाक, दही हांडी, दिवाली के पटाखे, इन सब पर कोर्ट की तत्परता के बीच राम मंदिर मुद्दे को टाल कर पॉलिटिक्स को थोड़ा और ऑक्सीजन मिल गया। हे राम, तारीख पर तारीख, रोहित सरदाना, रामलल्ला कब आएंगे, मंदिर कब बनाएंगे? 31 अक्टूबर रोहित सरदाना, न्याय में देर, राम जी से अंधेर। 1 नवंबर अमीश देवगन, रामलल्ला पर बिल लाएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, राम मंदिर का काउंटडाउन। रोहित सरदाना, अब संसद से जय श्री राम, संसद में राम मंदिर के लिए बिल आएगा तो कौन कौन बिल बिलाएगा? 2 नवंबर अमीश देवगन, आस्था नहीं इंसाफ जरूरी, अब मंदिर पर आंदोलन अध्याय। रोहित सरदाना, राफेल या राम, कौन बनाएगा काम? कोर्ट की सुनवाई के बाद अभी तक सरकार की तरफ से राम मंदिर पर बिल लाने की बात नहीं कही गई है, लेकिन कार सेवक पत्रकार हर रोज अपने प्रोग्राम के माध्यम से अध्यादेश ला रहे हैं। इसी तरह की कवरेज लगातार होती रही है। 3, 4 और 5 नवंबर को भी मीडिया के लिए राम मंदिर ही सबसे बड़ा मुद्दा रहा। 6 नवंबर दीपावली से ठीक एक दिन पहले तो कार सेवक पत्रकारों को अपने एजेंडा का बहाना मिल गया। त्योहार के बहाने राम मंदिर के सवाल के साथ भड़काऊ संदेश देना शुरू कर दिया गया।
जी न्यूज ने तो मानो कसम खा ली कि आज ही मंदिर बनवा कर दम लेगा। अपना इरादा जाहिर करते हुए मीडिया वाले बता रहे हैं कि मंदिर का संबंध 2019 चुनाव से है। धमकी भरे लहजे में डाला गया ये पोस्टर सब कुछ बताता है। योगी ने बदला इकाना स्टेडियम का नाम, लोग बोले अखिलेश काम करते हैं, योगी नाम बदलते हैं। यूपी की योगी सरकार को नाम बदलने की आदत हो गई है। ताजा मामला अखिलेश सरकार के दौरान बने राजधानी लखनऊ के इकाना स्टेडियम का नाम बदलकर अब पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखने का फैसला किया है। हैरान करने वाली बात यह है कि कल ही यहाँ पहला मैच खेला जाना है जिसमें भारत वेस्टइंडीज से भिड़ेगा। दरअसल योगी सरकार की तरफ से एक नोटिस जारी कर बताया गया है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण इकाना स्पोर्ट्स सिटी, जो गोमती नगर विस्तार सेक्टर 7 स्थित अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का नामकरण भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। गौरतलब हो कि लखनऊ मेट्रो की तरह ये भी स्टेडियम सपा की अखिलेश सरकार के दौरान बनाया गया था। वही इससे पहले भी योगी सरकार ने 2 नामकरण किए हैं जिसे लेकर सरकार काफी आलोचना हुई थी, मगर अब स्टेडियम का नाम बदल देने पर राजनीतिक बयानबाजी एक बार शुरू हो सकती है। सिंधिया और दिग्विजय के बीच कोई तकरार नहीं, बीजेपी के इशारे पर गोदी मीडिया ने झूठी खबर फैलाई, कहते हैं कांग्रेस। मध्य प्रदेश में टिकटों के बंटवारे को लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया और दिग्विजय सिंह के बीच हुई बहस की खबरों को मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी एवं राष्ट्रीय महासचिव दीपक बावरिया ने गलत बताया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के इशारे पर मीडिया के कुछ लोगों ने इस झूठी खबर को फैलाया। बावरिया ने शुक्रवार को मीडिया से बात करते हुए कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और दिग्विजय सिंह के बीच कोई झगड़ा नहीं हुआ है, बीजेपी सोची समझी साजिश के तहत झूठ फैला रही है, बीजेपी कांग्रेस में फूट दिखा कर लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। इसके साथ बावरिया ने गोदी मीडिया पर हमला करते हुए कहा कि बीजेपी के इस साजिश में मीडिया के कुछ लोग भी शामिल है। उन्होंने बताया कि सीटों के बंटवारे को लेकर कोई तकरार नहीं है, सब सीटों पर सहमति बन गई है। इससे पहले दिग्विजय सिंह ने भी झगड़े की खबरों को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि मीडिया में जो भी खबरें दिखाई जा रही है वे पूरी तरह से गलत है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में हम सब एक है और भ्रष्ट बीजेपी सरकार को हराने के लिए दृढ़ है। गौरतलब है कि गुरुवार सुबह खबर आई थी कि राहुल गांधी के सामने ही दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया में टिकट बंटवारे को लेकर जमकर तूतू में हुई। बताया जा रहा था कि दोनों के बीच बहस इतनी तेज हो गई थी कि राहुल गांधी को दोनों के बीच मतभेद सुलझाने के लिए अहमद पटेल और अशोक गहलोत सरीखे वरिष्ठ नेताओं की एक कमेटी बनानी पड़ी। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।